स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ माथी कला, लेकर हाजिर हूं देश के सबसे बड़े बहस का शो, देश को जवाब दो। आज हिंदुस्तान का सवाल है कि क्या ऐसे लोगों को बर्दाश्त किया जा सकता है जो देश में क्रांति के नाम पर भ्रांति फैलाने के एजेंडे में जुटे हों? क्या ऐसे लोगों को छूट दी जा सकती है जो जेपी की पवित्र संपूर्ण क्रांति की अवधारणा को अपनी हुड़दंग और हंगामे से बदनाम करने की कोशिश करें? अफसोस कि हिंदुस्तान में ये सब किया जा रहा है, और वो भी अन्नदाता किसानों के नाम पर। दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले 6 महीने से किसानों के नाम पर जो एजेंडा चलाया जा रहा है, उसे बुझते एजेंडे को फिर से गर्माने के लिए फर्जी किसान नेताओं ने 5 और 6 जून को कृषि कानूनों की प्रतियां जलाने की अब रणनीति बनाई है। ऐसे में देश को जवाब दो कि जिस कानून को देश की संसद ने बनाया, उसे सड़क पर इस तरह से जलाकर यह अराजक गैंग क्या जताना चाहता है? ये भी समझाइए कि लगातार देश के लोगों ने इसे नकारा। देश इनकी हिंसा और हंगामे का दंश कई बार झेल चुका है, इसीलिए ये सवाल बार बार पूछूंगी कि क्या अराजक गैंग तय करेगा देश का कानून? क्या अराजकता फैलाने वाले लोग तय करेंगे देश का कानून? संसद का कानून सड़क पर जलाने वाले, ये देश के खिलाफ बोलने वाले लोग आखिर कौन है? संसद, अदालत, सरकार को इनकार, ये देश के गद्दार? हंगामे की जिद को संपूर्ण क्रांति कहोगे? धिक्कार है। ये टिकैत का क्रांति दिवस है या भ्रांति दिवस? एक भ्रम जाल बुनने की फिर से कोशिश, क्योंकि हर बार यही हुआ। जब आपने चक्का जाम किया तो यही हुआ, जब आपने रेल रोको कहा तब यही हुआ, जब आपने देश में ब्लैक डे मनाने की कोशिश की तब भी आप फ्लॉप हो गए। अब आप क्रांति दिवस के नाम पर एक और भ्रमजाल फैलाना चाहते हैं, लेकिन सुन लीजिए, ये देश आपकी हर चालाकी को समझता है, उसे बेनकाब हम करेंगे। एक रिपोर्ट देखिए, मेहमानों से मिलवाती हूँ। भड़काऊ गैंग का नया भ्रमजाल, ब्लैक डे फ्लॉप तो नया एजेंडा शुरू। कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा एक बार फिर आग भड़काने की साजिश में लगा है। किसानों के नाम पर भ्रम की सियासत करने वाले इन फर्जी किसान नेताओं ने नया भ्रमजाल बुना है। 5 और 6 जून यानी कल और परसों एक बार फिर से विरोध के नाम पर सियासत की रोटियां सेकने की कोशिश की जाएगी। कृषि कानून की प्रतियां जलाएंगे और सांसदों का घेराव करेंगे। सबसे हैरानी की बात यह है कि इसे संपूर्ण क्रांति का नाम देकर इस नाम को भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें इसी साल की है जब लोहड़ी जैसे पवित्र पर्व को फर्जी किसानों ने कलंकित किया था और संसद के बनाए कानून की प्रतियों को आग के हवाले किया था। टिकैत एंड कंपनी बस कानून के खिलाफ काम करने के मौके तलाश रही है। ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। इन्हें ना तो संसद पर एतबार है, ना कानून पर भरोसा, ना बातचीत से कोई वास्ता है, ना ही देश की अदालत पर यकीन। ये बस अपनी मनमानी करने पर तुले हैं। ये लोग एक बार फिर दिल्ली बॉर्डर्स पर भीड़ जुटा रहे हैं। आप हैरान होंगे ये जानकर, इस भीड़ में ये बच्चों और महिलाओं को शामिल कर रहे हैं। पंजाब के रूपनगर से कल ही किसानों का एक बड़ा जत्था दिल्ली के लिए रवाना हुआ, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इससे पहले भी पंजाब के दुआबा क्षेत्र से किसानों का एक बड़ा जत्था सिंघू बॉर्डर पर पहुंचा। दिल्ली बॉर्डर्स पर फिर कोई हंगामा न बरपे, इसीलिए सिंघू टिकरी समेत इन तमाम बॉर्डर्स पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां किसानों के नाम पर इन नेताओं ने जमावड़ा लगा रखा है। इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर पे खड़ा हूं और यहां की तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं ये तस्वीर, यहां पर जितने भी दिल्ली पुलिस के सुरक्षा कर्मी हैं यहां पर मुस्तैदी से तैनात हैं, और ये पूरा इसको एक किले में तब्दील कर दिया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, आप मजबूती से देख सकते हैं। दरअसल इस फर्जी गैंग की अब तक सारी कवायद फेल ही हुई है। चक्का जाम नाकाम रहा, रेल रोको फेल हुआ, ब्लैक डे फ्लॉप साबित हुआ, लेकिन हर नाकाम कोशिश के बाद ये फिर से अराजकता फैलाने का एक नया प्लान शुरू कर देते हैं। लाल किला और दिल्ली हिंसा के अलावा करनाल में मुख्यमंत्री खट्टर की सभा में हंगामा, सोनीपत में बबीता फोगाट के घर के बाहर हंगामा, यूपी के मंत्री संजीव बालियान के काफिले पर हमला कर चुके हैं।
सवाल सीधा है, क्या कुछ अराजक तत्व ही तय करेंगे कौन सा कानून सही है और कौन सा गलत? आज देश सवाल कर रहा है संपूर्ण क्रांति नाम को बदनाम करने वाले। क्रांति दिवस मनाएंगे या फिर भ्रांति दिवस? देश को जवाब दो। इस देश में संपूर्ण क्रांति के नाम से आपको जेपी की याद आती है, एक ऐसा आंदोलन जिसने युवाओं को एक साथ जोड़ा, एक ऐसा आंदोलन जो चिंगारी से आग बन गया, जिसने सिंहासन हिलाने की हिम्मत की। लेकिन उस आंदोलन से अपने इस क्रांति दिवस को जोड़ना, जो टिकैत साहब कह रहे हैं लगातार कि अब हम किसानों से क्रांति दिवस मनवाएंगे, वो कहां तक सही और गलत है, ये हमें हमारे मेहमान समझाएंगे। आज तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ इस डिबेट में आरपी सिंह साहब जुड़ेंगे, बीजेपी से बहुत बहुत स्वागत सर। ममता काली जी हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, सवित मलिक साहब है किसान नेता, मास्टर शिवराज हैं किसान नेता, और दीपक झा भी मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मास्टर शिवराज जी, संसद पर एतबार नहीं, कानून पर भरोसा नहीं, संविधान पर विश्वास नहीं, सड़क पर आ जाइए, यही काम हो जाएगा क्या सर? संपूर्ण क्रांति कैसे है? आंदोलनकारियों को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसकी गाइडलाइन आप तय कर दो भाई। आंदोलन या ये कह दो आंदोलन करें ही नहीं, मुझे ये बता दो कौन सी सरकार ऐसी आएगी जो देश में कभी किसानों के लिए किसान आयोग का गठन करेगी, कृषि जो लागत मूल्य है उसको कम करेगी, किसानों का जो फसलों का उचित मूल्य है उसको दिलाएगी? कोई सरकार कभी ऐसी आएगी जो देश का किसान सबका पेट भरता है उसके बारे में सोचने वाली करने वाली कभी कोई सरकार आएगी? क्या देश का किसान वोट नहीं करता सरकार को? आप देश के संविधान में भरोसा, आप देश की संसद और संविधान में भरोसा करते हैं सर? कानून पर भरोसा करते हैं? आप बिल्कुल करते हैं, तो किसान आयोग का गठन क्यों नहीं किया गया जब सारे आयोग है? सरकार आपके प्रस्ताव को होल्ड पे रखी ना, किसी पे तो भरोसा करते होंगे, कोर्ट पे भरोसा करते हैं आप लोग? होल्ड के लिए एक साल तो हो गया, छह महीने और रहे, डेढ़ साल के लिए होल्ड किया। ऑप्शन क्या है आपके पास? छह महीने और रहे। शिवराज जी बहुत शांति से समझे, क्या विकल्प है आपके पास? देश के कानून, देश के संविधान में, देश के संसद में बना कानून आप फाड़ेंगे, आप जलाएंगे, और उसके बाद आपको लगता है कि आपकी मांग पूरी हो जाएगी? मैं ये कह रहा हूँ, सिर्फ मैंने तीन क्वेश्चन किए हैं, किसान आयोग का गठन। सर यहाँ जवाब देने बैठे हैं आप, मेरे से क्या सवाल कर रहे हैं? मैं क्वेश्चन भी कर रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको देश की संसद पर एतबार है, आपको देश के संविधान पर एतबार है, कानून बनाने वाले पर नहीं हो, लेकिन कानून पर भरोसा है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है कि जब मेरे शुगर का रोग है तो मुझे कलाकंद क्यों खिलाए जा रहे हैं? कलाकंद से तो शुगर और बढ़ेगा। अच्छा, ममता काली जी मास्टर शिवराज जी को कलाकंद खिला रही है सरकार, इन्हें शुगर है। धन्यवाद माधुरी जी। शिवराज जी की जो बातें होती है ना, आज मुझे बड़ी हंसी आई है इनकी बात सुन के कि मुझे शुगर है तो कलाकंद मत खिलाओ। असल में परेशानी ये है कि झूठ की और फरेब की जो गोली है ना, मीठी गोली, वो ये खिला रहे हैं हमारे देश के अन्नदाताओं को। किसान आंदोलन के नाम पर हमारे अन्नदाता को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, यद्यपि हमें पता है कि हमारा अन्नदाता नहीं है ये जो बॉर्डर पे बैठा है। अब देखिए, पहले 26 जनवरी का तमाशा, फिर 26 मई का तमाशा, अब 5 और 6 जून का तमाशा। आप देखिए, इन सारी चीजों में एक चीज कॉमन है, अराजकता फैलाना, देश के कानून संविधान विधान की धज्जियां उड़ाना, और कहते हैं कि जो पारित कानून है उसकी प्रतियां जलाएंगे। यानी कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जो कानून पास, जो पास हुआ कानून बना, उसकी प्रतियां जलाएंगे, यानी कि संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे, यानी कि लोकतंत्र के मंदिर की बेइज्जती करेंगे। तो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड पे डाला, उस पर भरोसा नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 12-12 बार बात करी, बोला मैं एक फोन कॉल की दूरी पर हूं, खुद से आश्वासन पे आश्वासन दिए, संपर्क साधा किसानों से, इन लोगों से, किसानों से तो हमेशा साधते हैं, उसके बावजूद किसी पर भरोसा नहीं है, संविधान पर भरोसा नहीं है, तो इनको भरोसा किस पर है? इस देश